वेलकम टू स्पेल आउट के एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुए शी हल्क के एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एपिसोड 2 के रीकैप से, जहां पर कि हम देखते हैं कि एबोमिनेशन और वोंग की फाइट की जो क्लिप थी वो वायरल हो चुकी है। और उसके बाद हमें एपिसोड 3 में दिखाया जाता है जो जेन है वो दोबारा जेल में जाती है और ब्लोंस्की से इस वीडियो के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद ब्लोंस्की उसे बताता है कि वो अपनी मर्जी से एबोमिनेशन नहीं बना था। वो बताता है कि वोंग उसे जेल से ले गया था। उसके बाद जेनिफर जेल से निकलकर वोंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी की हेल्प से उसके साथ एक मीटिंग फिक्स कर लेती है। और दूसरी तरफ एबोमिनेशन की वीडियो जो न्यूज़ में वायरल हो चुकी थी, उसके चलते न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि अगर उसे बेल मिली तो वो दोबारा एबोमिनेशन बनकर पब्लिक के लिए खतरा बन सकता है। और साथ ही उस केस के चलते जितने भी रिपोर्टर थे वो सभी जेनिफर का इंटरव्यू भी लेना चाहते थे। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जेनिफर है वो दोबारा अपने ऑफिस में आ गई है, जहाँ पर कि उसे उसके बॉस ने बुलाया। और जैसे ही वो उनके कैबिन में जाती है तो वो वहाँ पर अपने कलीग डेनिस को देखती है, जो कि अपने केस के लिए एक लॉयर को हायर करने के लिए वहाँ पर आया था। वो बताता है कि न्यू एसगार्ड की एक मैजिशियन ने हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड सिंगर मेगन थी स्टैलन का फेस लेकर उससे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लिए थे। और जब ये डेनिस को पता चला तो उसने उस पर केस कर अपनी मनी को रिटर्न लेने के लिए। और वो वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं पर तभी वहाँ पर वोंग आ जाता है, जिसके बाद जो जेनिफर थी वो वोंग का स्टेटमेंट लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वोंग बताता है कि जो एबोमिनेशन था वो खुद बाहर नहीं आया था, उसने ही उसे निकाला था, क्योंकि वो सोर्सरर सुप्रीम बनने वाला था और वो सोर्सरर सुप्रीम बनने से पहले उसे अपने किसी टक्कर वाले से फाइट करनी थी। जिसके बाद जेनिफर कहती है कि उसे ये स्टेटमेंट कोर्ट में देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डेनिस का केस किसी और लॉयर ने हायर कर लिया है उसी ऑर्गेनाइजेशन के, और वो उस लॉयर को बता रहा है कि उसने कितनी मनी वेस्ट करी थी। और ये सब कहकर डेनिस वहाँ से चला जाता है, पर फिर वो 2 मिनट बाद दोबारा वापस आता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो केस को ड्रॉप कर रहा है। जिसके बाद जिस लॉयर ने उसका केस लिया था वो उसे मना करता है केस ड्रॉप करने के बाद। और फिर पता चलता है कि वो डेनिस नहीं बल्कि न्यू गार्ड की मैजिशियन थी, जो कि वहाँ पर डेनिस का फेस लेकर आई थी। और उसके बाद लॉयर को जब पता चल जाता है कि वो न्यू एसगार्ड का एक मैजिशियन है, तो वो तभी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेल में ही एक कोर्ट सेटअप करी गई है एबोमिनेशन के केस के लिए, जहाँ पर कि जितने भी वहाँ पर जज थे वो पहले ही डिसाइड करे बैठे थे कि वो एबोमिनेशन को रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो वायरल वीडियो देख लिया था। और उसके बाद जेनिफर आकर वहाँ पर केस को स्टार्ट करती है, जहाँ पर कि जेनिफर बताती है कि जो एबोमिनेशन यानी जोंस की था वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं गया था, उसे जेल से बाहर वोंग ले गया था, पर वहाँ पर अभी तक वोंग नहीं आया था अपना स्टेटमेंट देने के लिए। और वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे जो कि एबोमिनेशन के साथ रहते थे, जेनिफर एक एक कर उन्हें बुलाती है और उनसे स्टेटमेंट लेती है। और उन सबके स्टेटमेंट से जेनिफर ब्लोंस्की को इनोसेंट और होनेस्ट साबित कर देती है। और उसके अगले ही सीन में जो वोंग था वो वहाँ पर कोर्ट में पहुँच जाता है और अपना स्टेटमेंट दे देता है। उसी के कुछ मिनट बाद जो ब्लोंस्की था वो एबोमिनेशन बनकर दिखाता है उन सभी जज को, और वो एबोमिनेशन बनकर भी अपने कंट्रोल में था, जिसके बाद वो दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें डेनिस का केस चलता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि डेनिस हार रहा होता है, पर जो उस कोर्ट का जज था वो उसे दूसरी डेट दे देता है। पर जो न्यू एसगार्ड की जो मैजिशियन थी वो जज का फेस लेकर कोर्ट में जाकर जज की सीट पर बैठकर कहती है कि डेनिस केस हार चुका है, पर जो मैजिशियन थी जो उसकी लॉयर थी वो उसे ये सब करने से मना करती है। और दूसरी तरफ जो वोंग था वो अपना स्टेटमेंट दे चुका था और जो जजेस थे वो उस केस के फैसले के लिए दूसरी डेट को पेंडिंग पर घेर देते हैं। और जिसके बाद जेनिफर उस जेल से जा रही होती है, जहाँ पर कि जो कुछ रिपोर्टर थे वो वहाँ पर जेनिफर को रोस्ट कर रहे थे। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जेनिफर अपने सेक्रेटरी निकी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, जहाँ पर कि निकी सोशल मीडिया पर देखती है कि जेनिफर रोस्ट हो चुकी है। ये सब देखकर जेनिफर वहाँ पर इरिटेट हो जाती है। और उसके बाद वहाँ पर डेनिस का लॉयर आता है और वो आकर वहाँ पर डेनिस की बातें करने लगता है, जिसे सुनकर जेनिफर और एंग्री हो जाती है और बताने लगती है वो कितना सेल्फलेस और ईगोफुल आदमी है। जिसके बाद जो डेनिस का लॉयर था उसे एक आइडिया आता है और वो अगले कोर्ट की हेयरिंग में जेनिफर को ले जाता है। जिसके बाद जेनिफर वहाँ पर स्टेटमेंट देती है और जो डेनिस था वो वहाँ पर केस जीत जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो जेनिफर थी उसे एबोमिनेशन की बेल मिल जाती है, पर जो जज थे वो कहते हैं कि उसे एबोमिनेशन नहीं बनना होगा पब्लिकली और उसे इरेटर डालकर रहना होगा, ताकि वो हर वक्त ब्लोंस्की को ऑब्जर्व कर सकें। उसके बाद
वहाँ पर ब्लोंस्की को बेल मिल जाती है। उसके बाद जो शी हल्क यानी जेनिफर थी वो इंटरव्यू देने जाती है, और इंटरव्यू देने के बाद जब जेनिफर रोड पर अपनी कार के पास जा रही होती है तो तभी वहाँ पर कुछ आदमी जेनिफर पर हमला कर देते हैं, और उनके पास हाई टेक्नोलॉजी के कुछ वेपन थे जिससे वो जेनिफर पर हमला करने लगते हैं। पर जेनिफर शी हल्क बनकर वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगती है, और उनमें से जो एक आदमी था वो इंजेक्शन लेकर शी हल्क का ब्लड लेने की कोशिश करता है, पर शी हल्क की जो स्किन थी वो बहुत टाइट थी जिसकी वजह से उसके ब्लड का सैंपल नहीं ले पाते हैं, और उन्हें बिना ब्लड के सैंपल लिए वहाँ से जाना पड़ता है। और उसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जेनिफर अपने ऑफिस के कैबिन में मैगन थी स्टेलन के साथ डांस कर रही है, और इस सीन के बाद इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।